सबसे पहले मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ। यहाँ से आपको अपना व्हाट्सअप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा दिखेगा स्टेटस, तो आप इसको अपने फ़ोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हो, किसी का वीडियो चाहे किसी का फ़ोटो। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सभी का फ़ोटो यानी वीडियो को देख लेना है पहले कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके। यहाँ पर एक वीडियो भी लगा हुआ है, दो वीडियो। जैसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ। पहले यहाँ से देखने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना, जो कि अभी मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। सो गाइस, ओपन करने के बाद जितना फोटो एंड वीडियो आप वहाँ पर देखिएगा, सभी आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आकर मतलब शो हो जाएगा। तो अब बात आ गई इसको कैसे अपने फ़ोन में आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना है किसी एक पर क्लिक, जिसका भी आपको डाउनलोड करना होगा, यानी आपको मिलेगा प्लस वाला आइकॉन, आपको इस पर करना है क्लिक। सो गाइस, आपको मिलेगा सेव टू गैलरी, आपको करना है सेव टू गैलरी क्लिक। एंड आपको मैं दिखाता हूँ अपने गैलरी में, जाकर मेरे गैलरी में ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ से मैं अपने गैलरी को ओपन करता हूँ। सो गाइस, अभी देखते हैं जितना भी फोटो मैंने अभी डाउनलोड किया था, सभी यहाँ पर मुझे दिख गया है। तो गाइस, आप इस तरह से किसी का भी स्टेटस चाहे वीडियो चाहे फोटो आप अपने गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी दूसरे का व्हाट्सअप स्टेटस कैसे अपने गैलरी में सेव कर सकते हो। तो आपके यहाँ क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको सर्च करना है व्हाट्सअप सेवर। आपको सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको दूसरे नंबर पर जो एप्लीकेशन दिख रहा है, आपको करना है इस पर क्लिक। तो गाइस, क्लिक करने के बाद आपको इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना, जो कि मैंने पहले से कर रखा था। इसको मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस, ओपन करने के बाद आपको मिलेगा ग्रेंट का ऑप्शन, आपको करना है ग्रेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक। सो गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ कर देना है परमिशन को, जिससे कि आपका स्टेटस किसी का भी डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस, अभी देखते हैं जितना फोटो एंड वीडियो आपको यहाँ दिखेगा, आपको सभी जो है आपको दिख जाएगा व्हाट्सअप में। तो आप इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सअप को ओपन करना है। सो गाइस, एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर राहुल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका वीडियो मुझे अपने गैलरी में सेव करना है। तो कैसे करना है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। इसके वीडियो पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से बैक कर देना है। तो गाइस, आपको व्हाट्सअप में नहीं दिखेगा मतलब सेव करने का ऑप्शन, तो आपको उस एप्लीकेशन से अपने फ़ोन में उसको सेव करना है। तो मैंने यहाँ से राहुल का वीडियो सिर्फ क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आपको जो जिस पर वीडियो आप क्लिक कीजिएगा, वो वीडियो आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जैसे आपको यहाँ मिलेगा वीडियो यानी फोटो का ऑप्शन, तो आपको वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको करना है वीडियो पर क्लिक। तो गाइस, क्लिक करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन मिलेगा, आपको करना है इस पर क्लिक, यानी आपको सेव टू गैलरी मिल जाएगा। तो गाइस, आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस अपने मतलब गैलरी में सेव कर सकते हो। सो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। सभी चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो नहीं मिलता है। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।